प्रथम दिवस की लड़ाई आपको सुनाने जा रहा हूं। जय हो। पहले दिन इधर कौरवों की ओर से पितामह भीष्म, तो दूसरी ओर पांडवों की ओर से महाराज शल्य आमने सामने। जय हो। तो आज आप ये घनघोर युद्ध देखने जा रहे हैं। हो जाती है देर, तो मौका पाकर सियार भी हो जाते हैं। प्यार के बदले में हम तो प्यार देते हैं, अरे प्यार के बदले में हम तो प्यार देते हैं, अपना सारा जीवन उस पर निसार देते हैं। और दुश्मनी, दुश्मनी की खता हमसे भूल कर भी मत करना, क्योंकि दुश्मनों को तो हम जान से मार देते हैं। आज देखिए इधर पितामह भीष्म, तो सामने शल्य। पितामह भीष्म कहते हैं, किसकी मौत आई है क्या काल सर पे छाया है, किसकी मौत आई है क्या काल सर पे छाया है, जान नहीं है प्यारी जो सोता नाच। अरे शल्य, आने से पहले सोच तो लिया होता कि किससे युद्ध करने जा रहा है। आज मेरे हाथों से तू बचेगा नहीं, क्या कहने लगे पितामह भीष्म। एक खतरा ये तूने खुद, ये सल ये खतरा ये तूने खुद हाथ से बुलाया रे, हर कैसे जाएगा। अपने आप को बचाने की सोच सल क्या कहने लगे, हर खतरा ये तूने खुद हाथ से बुलाया रे,
कैसे जाएगा। जतन कुछ कर ले, कुछ कर ले, जतन कुछ कर ले, क्या कहना है, हर कुछ कर ले, जतन कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कहने लगे पितामह भीष्म के फूंक मार दूंगा तो बर्फ सा पिघल जाएगा, अरे फूंक मार दूंगा तो बर्फ सा पिघल जाएगा, देखेगा सामने मुझको तो दम निकल जाएगा, उस दिल घबरा जाता है चंद हवा के झोंकों से, अरे तू क्या तेरी औकात क्या जो तूफान से, देखता हूं तुझे कौन बचाता है, हकीकत से सुन ले तू तेरी नादान है, तेरी नादान कहने लगे कि पितामह, अरे हम तो दिल में बुजुर्गों का अरमान लिए फिरते हैं, अरे हम तो दिल में बुजुर्गों का अरमान लिए फिरते हैं, वीर नहीं वो कायर है जो मौत से डरा, अरे मौत की औकात क्या जो ले अपनी आगोश में, मौत का सामान तो हम हाथों में लिए फिरते हैं। पितामह आप अपनी चिंता करो, क्योंकि आज तुम्हारा पाला सल से पड़ा है, क्या कहना है, ये गिरगिट से पड़ा पाला, हे पितामह अभी तक आप जिनसे उलझे हो वो गिरगिट थे, लेकिन आज ये नहीं देखा नाग काला, ये अब पड़ गया है पाला, तो फिर भगते फिरोगे नहीं तो बेमौत मरोगे पितामह, क्या कहने लगे शल, ये फिर भगते फिरोगे बेमौत मरोगे, भगते फिरोगे पितामह, बेमौत मरोगे भगत फिरोगे बेमौत।
भीष्म कहने लगे कि रे नादान मुझसे उलझेगा, मुझसे टकराएगा, क्या तू नहीं जानता? अरे सारी कायनात पल भर में बदल जाती, सारी कायनात पल भर में बदल जाती, वीरों की वीरता तो यूं ही सिमट जाती। अरे फिर महाभारत तो बातों ही हो से हो गया होता छल, अगर मर्द की मर्दान की बातों से झलक जाती। जंग का ऐलान आज करते हैं हेशल, हे तेरे अरमां घटाएंगे हम। आज तेरे जितने हिमाथी हैं, जितने तेरे साथी हैं, सबको बुलवा ले। क्या कहने लगे पितामह भीष्म? अरे बुलवा ले तेरे साथी, ये जो है तेरे हिमाती, लेकिन फिर भी मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता सल। क्या कहना है? अरे बुलवा ले तेरे साथी, ये हमारी आदत नहीं कि हम किसी को बिना चेतावनी के ही उस पर वार करें आज, लेकिन तू अपनी जान की परवाह कर ले कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा। क्या कहना है? ये बातें तेरी सुन ले आग जैसी है, हेशल हर चुभती है दिल मेरे बाण जैसी है, क्योंकि काहे मरने से तू ना डरता है, ये हद से ज्यादा तू बातें करता है। लेकिन नादान जुबान संभाल के बात कर, आज तेरा सामना भीष्म से है। क्या कहना है? तो नादा तो नादा तू बोल तो बोल समझी के, रे बोल कटिले तेरे 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 ये बोल कटिले तेरे बोल कटिले
में घनघोर युद्ध हो रहा है। पितामह भीष्म बाणों की बरसात करने लगते हैं। इधर शल भी कम नहीं, कहना है कोई बदनसीब नहीं होगा, मरते वक्त तेरा अपना तेरे करीब नहीं होगा और मौत भी कांपेगी देख आज के मंजर को, क्योंकि ऐसी जगह मारूंगा कि पानी भी नसीब नहीं होगा। रेशल अब मरने के लिए तैयार हो जा, क्या कहना है? कहने लगे रे अब ऐसी पड़ेगी मार, हेशल रे अब ऐसी पड़ेगी मार कि तू भी याद करे, ये कर दूंगा तेरा बोहाल, एक कर दूंगा तेरा बोहाल कि तू भी याद करे। हे सल रे अब ऐसी पड़ेगी मां कि तू भी याद करे।